गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SVN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का पॉलीनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.5 वो हमने स्टार्ट की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे और एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई दैट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो देखो क्या करना है हमें, हमें पता है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी नंबर 8 है हमारी बुक में। क्या होती है ये चीज़, एक्स प्लस वाई प्लस जेड? क्या होती है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होती है। तो इसके ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो हमें राइट हैंड साइड चीज़ दे रखी है उसे हम लेकर सोल्व करेंगे। तो बाय राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई की होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे क्या होता है, फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था ये भी आइडेंटिटी थी, a माइनस बी की होल स्क्वायर बताई थी। क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है। तो इसी प्रकार x माइनस वाई की होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। आगे देखो प्लस में y माइनस जेड की होल स्क्वायर को भी इसी टाइप से हम खोल सकते हैं, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस में z माइनस एक्स की होल स्क्वायर को भी हम खोलेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, सेम एज इट इज, अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस किए दोनों, क्या हो जाएगा 2xz, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y2, जेड स्क्वायर प्लस का और जेड स्क्वायर प्लस का 2zz, बाकी क्या रहेंगे, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, ठीक है। सेम एज इट इज लिखेंगे, इन सारों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले आएंगे, अंदर अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 तो क्या हुआ, कॉमन आ गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या रह गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये रहेगी। तो क्या अपने को कुछ समझ आ रही है कि हमने ये आइडेंटिटी की थी, कौन सी आइडेंटिटी, हमारे बुक में आइडेंटिटी नंबर 8 है। ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर दिया है, ये है आइडेंटिटी नंबर 8। ये किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल है, यही हमने सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर 0 है तो शो दैट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हमें सोल्व करना है, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन हमें कहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है,
तो हमें पता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड एक आइडेंटिटी होती है, वो लगाएंगे हम। क्या होती है वो? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स, यही होती है। ठीक है, तो देखो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है? जीरो। तो अगर यहाँ हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो करते हैं, ये सेम एज इट इज, ठीक है, इधर क्या है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है। देखो जब जीरो का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये टर्म तो क्या होगी, सारी जीरो ही हो जाएगी, ये टर्म सारी जीरो हो जाएगी, तो इधर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इधर क्या रहा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब देखो इज इक्वल टू से इधर क्या है, सारी टर्म हमारी क्या होगी, जीरो होगी। ये थ्री एक्स वाई जेड माइनस का जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो देखो क्या होएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा इक्वल टू से उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री एक्स वाई जेड। तो यही हमने सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू, इन क्यूब्स को विदाउट हमें कैलकुलेट किए बिना आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू। इफ हमारे पास क्या है, क्या बन रहा है, देखो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, यही है। अभी हमने लास्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, यही फाइंड किया था 13 नंबर क्वेश्चन में। हमने क्या फाइंड किया था, हमें दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, कंडीशन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है। विदाउट कैलकुलेट के हमें इस क्यूब को सोल्व करना है, तो यहाँ क्या बन रहा है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब क्या होती है, इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, अब इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो x की वैल्यू 12 की क्यूब प्लस y 75 की क्यूब 3xyz 3 मल्टीप्लाई x के हमारे पास 12 मल्टीप्लाई y के 7 मल्टीप्लाई z के 5, यही है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड में जब हमने रखा तो इनका देखो वैल्यू आएगी माइनस का है, एक वैल्यू माइनस की है तो माइनस की आएगी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1260, ठीक है। इसकी एक कंडीशन है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, x प्लस वाई प्लस जेड में हम वैल्यू रख के देखते हैं, x की वैल्यू माइनस 12 थी, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5, तो देखो ये माइनस का 12 है और ये प्लस वाले को ऐड कर दो, 7 प्लस 5 12, अलग अलग साइन कैंसिल, क्या आई वैल्यू, जीरो आ गई। यही कंडीशन हमें चाहिए थी, अगर हमारे पास कंडीशन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हम क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है।
तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस का 1260। इसी प्रकार हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट अपने करेंगे, इसमें देखो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बन रहा है। तो कंडीशन हम रखेंगे, अगर x प्लस y प्लस z जीरो आ गया तो हम किस में वैल्यू रखेंगे, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब अपने चेक करते हैं, x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू है -15 प्लस z की वैल्यू है -13। यही है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये क्या हो गया 28, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए तो क्या आया 28। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, क्या आया जीरो। कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो क्या आएगा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब देखो x की क्यूब हमें पता है, y की क्यूब भी प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। 3 मल्टीप्लाई x क्या है 28, y क्या है माइनस का 15, z क्या है माइनस का 13। यही है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, हमें पता है कि आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16380 प्लस का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अपने को रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, अपने को क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ हमें कोई डिजिट में फाइंड नहीं करना, एक्सप्रेशन में चाहिए, फैक्टर में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एरिया हमें गिवन है, तो इस इक्वेशन को देख के हमें पता लग रहा है कि पावर 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर कैसे करते थे, लास्ट एक्सरसाइज 2.4 में करके आए हैं हम। ठीक है, सॉरी 2.3 में हमने फैक्टर करने सीखे थे, जब हमें डिग्री 2 दे रखी हो। तो देखो कैसे करते थे, लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 का जब 12 से मल्टीप्लाई आएगा 300 आएगा। ठीक है, अब 300 का कोई ऐसा फैक्टर देखना है कि -35, उसको प्लस या माइनस करने पर -35A आए। तो देखो 300 का फैक्टर, 300 का एलसीएम लेके देख लेते हैं हम, ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर अपने 2 2 4, 4 2 8 और 5 5 25, 25 प्लस 8 करें तो भी 32 हो रहा है, 35 नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर अपने देखो 2 2 4, 4 5 20। ठीक है, एक तो ये हो गया, 5 3 15। अगर 20 में से 20 प्लस 15 करते हैं तो क्या आता है, 35। तो देखो कैसे करना पड़ेगा अपने को, बड़ी वैल्यू के आगे साइन किसका है, माइनस का। तो देखो माइनस का 20 और माइनस का ही 15 होगा तो ही माइनस माइनस क्या आएंगे, प्लस होएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 25 a स्क्वायर
माइनस का 20 ए, ए है यहाँ, आगे क्या है इसका फैक्टर किया, माइनस का 15 ए प्लस में 12, यही है, माइनस माइनस प्लस 35 ए बन रहा है माइनस का। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ठीक है, और एक अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो 5 के टेबल में ये भी आता है और 5 के टेबल में ये भी आता है, तो अंदर क्या आएगा, 5 5 जा 25, एक ए जो कैंसिल हो गया और एक ए यहाँ लिख दिया मैंने, तो 5 ए माइनस 5 4 जा 20, ऐसे कैंसिल। अब देखो आगे माइनस में देखो क्या कॉमन लें, ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो अंदर क्या आएगा, 3 5 जा 15, 15 ए प्लस 3 4 जा 12, तो एक फैक्टर क्या बन गया, दोनों कॉमन आ रहे हैं, सॉरी माइनस प्लस, या माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस होते हैं, दोनों कॉमन आ रहे हैं, एक हो गया 5 ए माइनस 4, एक हो गया 5 ए माइनस 3, तो देखो ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेथ, और एरिया, रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, बीच में कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, तो लेंथ इसकी होगी 5 ए माइनस 4, ब्रेथ होगी 5 ए माइनस 3, ठीक है। इसी प्रकार इसका अपने सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे, एरिया अपने को गिवन है, ऐसे ही इसके फैक्टर बनाओगे और लेंथ और ब्रेंथ फाइंड करोगे। तो नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अपने को वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड अपने को फाइंड करना है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, इसका मतलब वॉल्यूम क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो हमें इससे लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है और हाइट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इन दोनों में बताओ कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन अगर मैं ले लूँ, 3 में कॉमन आ सकता है, देखो 3x कॉमन ले लेती हूँ मैं, 3 के टेबल में 3 तो आता ही आता है, 3 के टेबल में 4 भी आता है, x 3x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आया, x माइनस 4, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 3 इसके x के मल्टीप्लाई में है तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके मल्टीप्लाई में है x माइनस 4, तो लेंथ क्या हुई 3, ब्रेथ क्या हुई x, और हाइट क्या हुई x माइनस 4, यही फाइंड करना था। देखो आगे अपने पास देखो क्या है, 12 ky² + 8 ky - 20 k, तो मैंने आपको बताया कि लेंथ ब्रेथ और हाइट अपने को फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसमें से तीनों में से मैं कॉमन क्या लूँ, एक तो k कॉमन आएगा, और एक ऐसा टेबल देखना है जिसमें तीनों डिजिट आती हो, 4 की मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आया, 4 3 12 वाई स्क्वायर प्लस में 4 2 8 वाई माइनस 4 5 जा हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब इसके फैक्टर करेंगे, अपने को ऐसी डिजिट देखनी है, देखो 3 5 जा 15 हो गए, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, यही होते हैं, अगर मैं यहाँ प्लस का है ना तो प्लस की बड़ी वैल्यू रखी हूँ, 5 माइनस 3, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो क्या आ गया, 2 आ गया प्लस का, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, थ्री वाई स्क्वायर प्लस में 5y - 3y - 5, यही होंगे। अब देखो
इन दोनों में से कॉमन देखना है हमें, क्या लेना है, क्या आएगा कॉमन, वाई कॉमन आएगा। वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 3y + 5। इनमें से देखो ना तो इसमें वाई है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो क्या कॉमन लूँ मैं, -1। तो अंदर क्या आएगा, अगर मैं -1 कॉमन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ 3y है, यहाँ 5 है, तो -1 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, 3y -+। दोनों सेम बन रही हैं, तो देखो एक फैक्टर बन गया y -1, एक हो गया 3y + 5। तो इसमें लेंथ क्या हुई भाई, लेंथ मान लो 4k, ठीक है, ब्रेथ y - 1, हाइट 3y + 5। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 12-16। एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है, मतलब चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।